मराठा नाम लेते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर विदेशी सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए जी जान लगा दिया। आगे चलकर मराठा साम्राज्य नागपुर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, कन्याकुमारी से लेकर कटक तक और कटक से लेकर पाकिस्तान के अटक तक फैल गया। मुगलों की छाती पर तलवार रखकर सम्राट पृथ्वीराज के बाद किसी हिंदू का साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर फैल रहा था। मराठों ने अपनी तलवार के दम पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंदुस्तान के तमाम नवाब और सुल्तानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उनके कई साल पुराने साम्राज्य को पल भर में चकनाचूर कर दिया। मराठा राज में इतने शूरवीर पराक्रमी हुए कि उनके सामने मुल्क के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दब जाती थी। उनकी कोशिशों से धीरे धीरे लुप्त हो रही हिंदू सभ्यता को वापस गुलजार कर दिया गया। जादव, घोरपड़े, पेशवा, शिंदे, होलकर, नागपुर के रौजी भोसले जैसे योद्धाओं की बदौलत ये सब हो पा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मराठों के पराक्रम से कभी देश की शान रहे राजपूताना में भी दहशत का माहौल बन गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? साल 1647 से 1748 के बीच छत्रपति शाहूजी महाराज प्रथम के शासनकाल में मराठा साम्राज्य शौर्य के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। इतना ही नहीं, बड़े से लेकर हर छोटी रियासत तक में मराठा की अधीनता थी। यहां तक कि हिंदुस्तान में किस राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा ये भी मराठा ही तय किया करते थे। 1743 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों में आपस में ही कलह हो गई। उनके बेटे ईश्वर सिंह ने अपने सौतेले भाई माधव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद माधव सिंह को वहां से पलायन करना पड़ गया। उस समय हिंदुस्तान में हर समस्या का समाधान मराठा ही दिया करते थे, इसलिए माधव सिंह ने मराठों के उत्तर भारत के महान सेनापति मल्हार राव होलकर के पास शरण ली। मल्हार राव होलकर ने माधव सिंह का पक्ष लिया और उत्तर भारत के इस शूरवीर मराठा ने खुद जयपुर पर चढ़ाई कर दी। वो टोंक, मालपुरा जैसे जयपुर के इलाकों पर कब्जा करते चले गए, जिसके बाद पहली बार ईश्वर सिंह को मराठों के डर का एहसास हुआ। उसने तुरंत मंत्री केशव दास के जरिए मराठों के आगे संधि का प्रस्ताव रखा और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। ईश्वर सिंह इतने खौफ में थे कि उन्होंने अपने सौतेले भाई को 5 लाख रुपए और मराठों को 10 लाख रुपए देने का वादा तक कर डाला। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन उन्होंने मराठों को 10 लाख रुपए नहीं दिए बल्कि साजिश कर केशव दास की हत्या करवा दी। केशव दास मल्हार राव होलकर का अच्छा दोस्त था। जैसे ही मल्हार राव को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत जयपुर पर हमला बोल दिया। मराठों के आगे ईश्वर सिंह की सेना लगातार कमजोर पड़ती चली जा रही थी। वो समझ चुके थे कि अब किसी भी हाल में वो खुद को बचा नहीं सकते। राजा ईश्वर सिंह मराठों से इतना डर चुके थे कि उन्होंने अपने सैनिकों से कहकर सोमल खार नाम का जहर और जहरीला जिंदा सांप मंगवाया और उसी रात अपनी तीनों रानियों को उन्होंने जहर दे दिया और खुद को सांप से कटवा लिया। 18 घंटों तक ईश्वर सिंह और उनकी रानियों की लाश राजमहल के बंद कमरों में पड़ी हुई थी। जब मराठा सेना महल के अंदर पहुंची और उन्होंने ये हाल देखा तो मल्हार राव ने खुद पूरी विधि से सभी का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद पूरे जयपुर पर मराठों का वर्चस्व कायम हो चुका था। ये एक ऐसा वाक्या हुआ जब खुद हिंदू राजा ने दूसरे हिंदू राजा से डरकर अपनी जान दे दी थी और एक मराठा सेनापति ने सिर्फ वचन निभाने के लिए पूरे राज्य पर हमला कर दिया।